आप सभी का स्वागत है। सिंगापुर ने भी अपने वीज़ा ऑपरेशंस को रिज्यूम कर दिया है, ट्रैवल एंड टूरिज्म को रिज्यूम कर दिया है। काफ़ी सारे लोग हैं हम में से जो सिंगापुर जाने के लिए कितना वेट कर रहे थे, क्योंकि इंडियंस बहुत ज़्यादा रहते हैं सिंगापुर में और ट्रैवलिंग बहुत फ्रीक्वेंट रहती है, बिजनेस के लिए, लेजर के लिए, ट्रैवल के लिए या फैमिली विजिट्स के लिए। 1.5 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया था सिंगापुर को क्लोज हुए और काफ़ी कंट्रीज़ के अपडेट्स आते रहते थे, लेकिन सिंगापुर एक ऐसी कंट्री थी जो कोई भी अपडेट्स नहीं देती थी। उसके रीज़न है, सिंगापुर इतना छोटा देश है कि अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई तो दे कैन नॉट अफोर्ड उसे ठीक करने के लिए, इसलिए वो बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करते हैं। वहाँ पे चाहे कोई भी हो, क्राइम वगैरह बिल्कुल नहीं ले, इसलिए क्योंकि रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा छोटा देश है, इतनी कम पॉपुलेशन है, इनकेस अगर कुछ भी छोटा मोटा वहाँ पे अगर ड्रग्स का प्रॉब्लम फैल गया तो फिर वो पूरी पॉपुलेशन ही रातों रात उसके चपेट में आ सकती है, या फिर वायरस फैल गया तो पूरी पॉपुलेशन ही रातों रात चपेट में आ सकती है, इसलिए दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। वीज़ा ओपन हो गया, अब जानते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बहुत ही आसान है। नंबर 1 डॉक्यूमेंट पासपोर्ट, जिसकी 6 महीने की वैलिडिटी बची हो, 2 पेज बचे हों। 2nd आपकी फोटोग्राफ, 35x45mm वाइट बैकग्राउंड, मैट फिनिश, 80% फोकस, और ध्यान रहे कि आपके बाल चेहरे पे ना आ रहे हो, थोड़ा सा फीमेल्स वगैरह इस चीज़ का ध्यान दें। 3rd है आपका अकाउंट स्टेटमेंट, जी हाँ यहाँ पे चाहिए होगी, 3 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट ले, कितने फंड्स रखने हैं आप, 2-1 लाख रुपये रखेंगे वो भी सफिशियंट है। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट प्रूफ अपना अटैच करें, जैसे अगर आप जॉब करते हैं तो NOC लगा दें, अपना विजिटिंग कार्ड लगा दें, और अगर बिजनेस करते हैं तो GST, ट्रेड लाइसेंस, MSME, जो भी आपके पास है उसको लगा सकते हैं। उसके बाद कवर लेटर, कवर लेटर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हमने कई बार डिस्कस किया है कवर लेटर की क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो अगर आप कवर लेटर कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ये समझना चाहते हैं तो इसके ऊपर सेपरेट एक वीडियो है, अगर आप उसको देखेंगे तो डेफिनेटली आपको कवर लेटर कैसे बनाना है खुद ही समझ में आ जाएगा और आप ईजिली ये वीज़ा खुद भी लगा पाएंगे। नेक्स्ट है सिंगापुर का वीज़ा फॉर्म, जिसे 14A कहते हैं, आप उसे फिल कर सकते हैं। बेसिक सा फॉर्म होता है, उसमें कब जाना है और कितने दिनों के लिए जाना है, आपके पासपोर्ट की डिटेल्स, बस यही लिखा जाता है और कुछ खास नहीं। उसके अलावा आपका वहाँ पे क्या प्लान है, ट्रैवल आइटनरी छोटी सी आप वो बना कर दें, अपने फ्लाइट की एक टिकट की आइटनरी लगा के दें। होटल वाउचर्स वैसे तो कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप चाहें तो उसको भी लगा सकते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ज़रूर लगाएं। ये चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली इसमें वीज़ा मिलने की सक्सेस रेट काफ़ी अच्छी जाएगी। और एट द टाइम ऑफ सबमिशन आपके दोनों वैक्सीनेशन हो चुके हों, आपको ध्यान रखना होगा कि दोनों डोसेज आपकी कंप्लीट हो गई हों, तभी आप अप्लाई करें। जाने से पहले भी आपको RT-PCR या रैपिड टेस्ट कराना पड़ सकता है, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखें कि उससे पहले आप अच्छे से करा कर जाएं, ऐसा ना हो इमिग्रेशन में आपको प्रॉब्लम हो। काफ़ी सारे लोग सिंगापुर में इमिग्रेशन में प्रॉब्लम होती है, उसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले तो ठीक है, आपने सारी बुकिंग कर ली, सारे टेस्ट करा लिए, आप वहाँ पर पहुँच गए, बट वो ये चीज़ भी कैलकुलेट करते हैं कि आपके पास, आप वहाँ पर आए हैं, जो आपने पर्पस दिखाया है क्या वो वाकई में जेन्युइन है कि नहीं। कई बार उनको किसी इंडिविजुअल पे शक होता है तो उसको रोक सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। इन केस उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग में पर्सन फेल हो जाता है तो अनफॉर्चुनेटली उसको फिर वो वापस भी सेंड कर सकते हैं। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपकी जो इमिग्रेशन फाइल है वो पूरी होनी चाहिए। मैं अपने सभी क्लाइंट्स को ये चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने इमिग्रेशन फाइल को पूरा करके जाएँ, यानी जो भी होटल वाउचर्स हैं उनको प्रॉपरली लेकर जाएँ, फ्लाइट टिकट्स अपनी लेकर जाएँ, ज़रूरी नहीं कि आपको मोबाइल में ही दिखाना है, एक हार्ड कॉपी भी लेकर जाएँ। ट्रैवल आइटनरी है उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, आपके ट्रैवल इंश्योरेंस है उसका प्रिंट आउट साथ में लगा लीजिए, जितने दिन के लिए जा रहे हैं $50 से उसको मल्टीप्लाई कर दें US डॉलर, उतना कैश अपने पास रखें। जैसे 5 दिनों के लिए जा रहे हैं तो $250, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लीजिए, 300-350 US डॉलर ले लीजिए पर पर्सन। कपल जा रहे तो $500 रख लीजिए, इनकेस अगर वहाँ पर आप पहुँचते हैं वो आपसे पूछते हैं आपके पास कैश है तो आप उसे दिखा सके, हाँ जी है ये कैश। इतना सफिशिएंट तभी होएगा अगर आपकी बाकी सारी बुकिंग्स पहले से प्रीपेड होंगी, यानी होटल्स वगैरह, फ्लाइट्स वगैरह, ये सब आपने ऑलरेडी सब कुछ प्रीपेड है। तो अगर ये प्रीपेड नहीं है तो इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा आपकी रिटर्न टिकट बुकड हो, सिर्फ 1 वे नहीं, होटल्स आपकी कंप्लीटली बुकड हो। इनकेस अगर वो वहाँ पे कॉल करें तो आपके नाम से रिजर्वेशन उन्हीं डेट्स में दिखना चाहिए जिन डेट्स में आपने वाउचर में मेंशन किया हुआ है, और होटल भी वही होना चाहिए जिसका वाउचर आपने लगाया हुआ है। सफिशिएंट कैश रखें, उनसे कभी भी बहस ना करें, अपना जो भी जिस पर्पस के लिए आए हैं कॉन्फिडेंटली उसका आंसर दें। इमिग्रेशन को कैसे हम क्लियर कर सकते हैं, हिंदी में कैसे क्लियर कर सकते हैं, इसके ऊपर पूरी गाइडलाइंस हमने काफ़ी वीडियोस में डिस्कस की है, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मेंशन है, उसमें जाके उन्हें देख सकते हैं। उन्हें देखने के बाद मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपको इमिग्रेशन में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें क्योंकि सिंगापुर का ओपन होना एक बड़ा वेलकम साइन हो सकता है। काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स हैं वो ओमाइक्रॉन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि एक नया जो वेरिएंट आ गया कोविड का, साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ है, वर्ल्ड वाइड फैल सकता है कि नहीं, पहली चीज़।
और अगर फैल सकता है तो क्या कोई थर्ड या फोर्थ वेव वाला खतरा पूरे वर्ल्ड पे मंडरा सकता है, दोबारा से लॉकडाउन हो सकती है नहीं हो सकती है, इसके ऊपर भी हमारी एनालिसिस जो है जारी है। अभी मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि कोई पैनिक रखने की जरूरत नहीं है, वैक्सीनेशन काफ़ी अच्छे तरीके से इंडिया में हुआ है, इनकेस अगर ये वायरस फैला भी तो ईजिली कंटेनेबल होगा क्योंकि इम्यूनिटी काफ़ी यहाँ पे ऑलरेडी लोगों की स्ट्रांग हो चुकी है और वैक्सीनेशन की वजह से हेल्प भी बहुत एक्स्ट्रा मिलने वाली है। तो अभी तो हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, आगे जाके भी बिल्कुल नॉर्मल ही रहेंगे यही हम सब होप करते हैं। यूरोप के अंदर थोड़ी सिचुएशंस डाइसी है लेकिन टेम्परेरी है, मैं बहुत जल्द उसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप यूरोप जाने का भी प्लान कर रहे हैं तो आपको भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कब लगाना है वीज़ा, कैसे लगाना है, कहाँ का लगाना है, ये सारी डिटेल्स लेकर बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। उम्मीद है सिंगापुर की इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। इसके वीज़ा असिस्टेंस में अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।